Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Vlog शुरू किया है मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से. यहाँ पे मैं morning breakfast बना रही हूँ लक्ष्य के लिए, उसे school जाने के लिए. तो as you all know, मैं हमेशा उसको एक पराठा बना के देती हूँ breakfast के लिए with चाय. बच्चे अगर थोड़ा बहुत इस तरह से breakfast करके जाते हैं ना, तो एक दिल में थोड़ी तसल्ली सी रहती है कि हाँ चलो बच्चे ने कुछ खाया है, he'll be full for some time. और अभी तो वैसे भी उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो एग्जाम से फ्री होके उसने घर ही आना है. सो लंच का एज सच मुझ पर कोई प्रेशर था नहीं कि टिफिन प्रिपेयर करना है एंड ऑल. हाँ, हस्बैंड के लिए अभी मुझे लंच प्रिपेयर करना है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर बात करूंगी ऑफकोर्स, जिसमें मैं आज बनाने वाली हूँ शलगम की सब्जी, जो मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी अभी आगे. सो प्लीज स्टे ट्यून. सो दिस व्लॉग इज काइंड ऑफ रैंडम रूटीन यू कैन से, बट अर्ली मॉर्निंग्स तो मेरी ऐसे ही होती हैं जब लक्ष्य को स्कूल जाना होता है. तो मॉमीज को तो उठना होता ही है जब बच्चे को स्कूल जाना है. सो यस, आज लक्ष्य का एग्जाम है एज आई टोल्ड यू. तो अभी भी मैं उसको दही चीनी खिला के ही भेजती हूँ हमेशा, हर एग्जाम से पहले. ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी अच्छा काम करने से पहले या कोई भी ऐसा टफ काम करने से पहले अगर दही चीनी खा के जाओ तो काम अच्छे से होता है. और आप मुझे बताइएगा कि आप भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं क्या. आई फॉलो दिस रिलीजियसली एंड बाय द वे इट हैज़ अ साइंटिफिक रीज़न ऑल्सो. सो डू लेट मी नो कि आपको वो रीज़न पता है क्या, अदरवाइज नेक्स्ट व्लॉग में तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी वो रीज़न. सो यस, अब लक्ष्य जा चुका है अपना स्कूल और मैं भी आ चुकी हूँ नहा धो के, पूजा करके अपना वापस से. और अब मैं अपने आप को थोड़ा पर्सनल टाइम देती हूँ, 5 से 10 मिनट मैं खुद को ज़रूर देती हूँ. इस तरह से अपना स्किन केयर करती हूँ, बिकॉज अगर अभी इस टाइम मैं अपना स्किन केयर अच्छे से कर लूँ तो कर लूँ, अदरवाइज वो पूरा दिन छूट ही जाता है. और मेरा मॉर्निंग स्किन केयर जो भी होता है रूटीन, वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डीपली शेयर कर चुकी हूँ. सो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ चेक इट आउट. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep in the abiding, liking for you is all I need until my heart gives in. ओके जी, तो गर्मा गर्म एक कप चाय पीने के बाद फुल एनर्जी के साथ मैं आ गई हूँ वापस से किचन में. कप को मैं हाथ के हाथ धो के रख देती हूँ ताकि वो टूटे फूटे ना. और कुछ भी कुकिंग करने से पहले आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरा सिंक हमेशा खाली हो. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अब शलगम की सब्जी. इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं शलगम और एक आलू भी मैंने एक्चुअली ऐड किया था, 2 प्याज और 3 टमाटर बस. बड़ी ही सिंपल सी माइल्ड सी ये सब्जी बनेगी. और शलगम और आलू दोनों को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है इक्वल साइज में, और प्याज भी रफली चॉप कर लिए हैं और टमाटर को भी स्लाइस कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें ले ली हैं. तो अब क्योंकि हमें ये फटाफट से बनानी है तो हम इसे बनाएंगे प्रेशर कुकर. ये सब्जी हम बनाएंगे मस्टर्ड ऑयल में, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका मस्टर्ड ऑयल में. और तड़के के लिए मैंने ले लिया है ये 5 फोरन मसाला. इसमें जाता है सौंफ, जीरा, राई, कलौंजी और मेथी दाना. इन सबको हमें इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और जैसे ही वो चटकने लगे उसमें ऐड कर दीजिए हींग और प्याज और हरी मिर्चें. हल्का सा इसे टॉस कर लीजिए, ज़्यादा इसमें कलर लेके नहीं आना है. बस ऐड कर दीजिए उसमें टमाटर, टमाटर ऐड करते ही ऐड कर दीजिए नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ. हल्का सा उसे फिर मिक्स कीजिए, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है. बस उसमें बेसिक मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, गरम मसाला भी इसी टाइम पे ही ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी ऐड करेंगे काली मिर्ची पाउडर थोड़ा तीखे के लिए. हल्का सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाला हमारा जले नहीं. मसालों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस इसमें ऐड कर दीजिए हमारी सब्जी शलगम और आलू की. हल्का सा इसे एक बार फिर मिक्स दीजिए और ऐड कर दीजिए थोड़ा सा पानी. इसमें बहुत ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी लटपटी सी ये सब्जी बनके रेडी होएगी. और बस लिड लगा के इसमें 2 विसल आने दीजिए एंड सब्जी इज़ डन. तो देखा आपने कितनी जल्दी फटाफट से ये सब्जी बनके रेडी होती है, और ना तो इसमें कुछ भूनने का तामझाम था और ना ही कोई ज़्यादा कटिंग चॉपिंग थी. फटाफट से ये सब्जी बनके रेडी हो गई, और बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनके रेडी होती है. अगर आपको शलगम का टेस्ट पसंद है तो ये सब्जी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है. एक्चुअली शलगम का टेस्ट ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी सब्जियों के टेस्ट से. इसका एक अपना ही
यूनिक सा टेस्ट होता है, तो हर किसी को ये शलगम का टेस्ट पसंद नहीं आता है, बट मेरी तो ये वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है शलगम की। और शलगम की सब्जी बनाने में जो एक चीज़ मस्ट है वो है पंचफोरन मसाला। तो जो स्टार्टिंग में हमने पंचफोरन मसाले का तड़का लगाया था वो आप ज़रूर लगाइएगा, आप उसमें एक ड्रास्टिक चेंज देखेंगे, बिकॉज उसी पंचफोरन मसाले से आएगा इस सब्जी में अचारी फ्लेवर। ओके जी, तो सब्जी भी बन गई थी और रोटी भी मैंने साथ ही साथ बना ली थी, हस्बैंड का लंच भी पैक हो गया है और यहाँ पे आए थे दूध के पैकेट्स, इन्हें भी अब मैं साथ के साथ बॉयल कर लूँगी। तो पहले ना मैं मिल्क पैकेट को कॉर्नर से कट कर दिया करती थी, जो कि वेस्टेज ही हो जाता है प्लास्टिक का एक तरह से, जिसको कि रिसाइकिल करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो अब मैं इस तरीके से कट करती हूँ एंड दिस इज़ ईजी टू रिसाइकिल। और ये आप ही में से किसी का सजेशन था कि मिल्क पैकेट्स को कॉर्नर से कट ना करके इस तरीके से कट किया जाए। सो थैंक यू सो मच डियर, एंड आई होप कि मेरे इस वीडियो के थ्रू कुछ और लोग भी ये चीज़ देखेंगे और अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। सो चलिए जी, अब आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पार्ट पे। तो हल्दी वाला दूध बनने जा रहा है मेरे हस्बैंड के लिए, इसके लिए मैं यहाँ पे कच्ची हल्दी का यूज़ करती हूँ और साथ ही मैंने ले लिए हैं कुछ मसाले, लाइक एक छोटा टुकड़ा अदरक ले लिया है, थोड़ी काली मिर्ची, थोड़ी लौंग और थोड़ी सी अजवाइन भी। इन सबको अच्छे से कूट के थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मैं मिक्स कर दूंगी उसे दूध में, एंड पैरेलली दूसरे बर्नर पे दूध गर्म हो रहा है जो कि अभी चाय बनेगी आगे मम्मी पापा और हम सब के लिए। सो यहाँ पे ये दूध बॉयल हो गया है अच्छे से, और एक बॉयल आने के बाद अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी जैगरी पाउडर फॉर स्वीटनेस। तो यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच जैगरी पाउडर ऐड कर दूंगी, और जैगरी पाउडर ऐड करने के बाद हमें इस दूध को ज़्यादा पकाना नहीं है, अदरवाइज दूध फटने के चांसेस होते हैं। सो बस अब इसको छान लेंगे और अब मैं आराम से अपने हस्बैंड के साथ बैठ के हल्दी वाला दूध एंजॉय करूँगी और थोड़ी देर बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। को ये घी और बटर में सेकी हुई ब्रेड सुबह सुबह चाय के साथ पसंद है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, मुझे तो बड़ी पसंद है। विंटर्स में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा पराठे ही रहते हैं, क्योंकि एक तो इतनी वैरायटी होती है विंटर्स में, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, नंबर ऑफ वैरायटीज हो जाती हैं विंटर्स में ब्रेकफास्ट के लिए। तो कभी कभी थोड़ा डिफरेंट भी हो जाना चाहिए ब्रेकफास्ट में। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट रखा था क्योंकि आज लंच में बनने वाला है थोड़ा स्पेशल, पाव भाजी बनने वाली है एक्चुअली, बट अभी आप देखोगे कि आगे क्या हुआ। सो हस्बैंड के ऑफिस के जाने के बाद मैं लग गई थी अपना घर के कामों में, थोड़ा बेड वेड क्लीन किया और अब मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, थोड़ा बर्तन वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बर्तन क्लीन करने के लिए ना मैं हमेशा एक बार सारे बर्तन हटा के सिंक ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज़ उसी में फिर हम बर्तन साफ़ कर करके रखते हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता अगर हम गंदे सिंक में ही बर्तन रखते जा रहे हैं, तो सिंक को क्लीन करना एक बार ज़रूरी रहता है। तो बस सारे बर्तनों को अच्छे से क्लीन करके और तवा मैं ज़रूर एक बार मॉर्निंग में अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, बिकॉज पूरा दिन फिर उसी में रोटी पराठा ब्रेड एंड ऑल ये सब बनता रहता है, तो एक बार तो तवा ज़रूर से ज़रूर क्लीन होता है। हाँ, हर बार मैं तवा क्लीन नहीं करती हूँ, बस उसे वाइप ऑफ कर देती हूँ, बट मॉर्निंग में एक बार तो आई मेक श्योर कि तवा, चकला, बेलन, ये सब छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं लाइक गैस के स्टैंड्स एंड ऑल, सब कुछ अच्छे से एक बार ज़रूर मैं मॉर्निंग में क्लीन कर लेती हूँ। सो चलिए जी, अब तवा भी यहाँ पे हमारा अच्छे से क्लीन हो गया है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे सिंक को क्लीन कर लेती हूँ अलॉन्ग विथ लिक्विड बॉटल एंड सब कुछ अच्छे से एक बार क्लीन कर लेंगे। और अब आते हैं अपने गैस स्टोव पे, उसको भी मैं मॉर्निंग में एक बार ज़रूर अच्छे से इस तरीके से मांझ के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और ये जो बैक साइड के टाइल्स हैं ये भी ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, गैस के नीचे ऊपर साइड में सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। सास बहु क्या जब सास के मोर पिराए लागे पतो नि तेल ठोंक दे, सुख शांत करे मरे चाय, सुख शांत करे मरे चाय, सुख
ट्रांसलेट मूड पीरा लागे तो सास नित तेल ठोक दे तो सुख रात करे मैं अगर हम ऐठी रही तू ऐठी रह तो कहां सुख शांति रहे। और लाइफ लेसन्स के लिए ज्वाइन करें मम्मी और अम्मा जी की पॉडकास्ट सिर्फ मम्मी के यूट्यूब चैनल। फिर उसे ये बर्तन पॉडकास्ट साथ महसूस पार्लर भी मिलेगा आपको। ओके जी, तो बनने तो वाली थी पाव भाजी बट मम्मी का मूड आया कि आज वो पालक आलू की सब्जी बना के हमें खिलाना चाहती हैं, तो आलू भी मैंने बॉईल पे चढ़ा दिए थे और पालक भी अच्छे से क्लीन कर दी है जो कि मम्मी आज लंच बनाएंगी। मीनवाइल आई थॉट कि जब तक आलू बॉईल हो रहे हैं तो चलो कपड़े ही अरेंज कर लेते हैं, खाली क्या बैठना क्योंकि लंच तो आज मम्मी बनाने वाली हैं, तो मैं आज लंच से फ्री थी। बट घर के तो काम नेवर एंडिंग होते हैं तो कुछ ना कुछ काम तो लगा ही रहता है, तो यहाँ पे मैं अब कपड़े भी सारे अच्छे से आराम से बैठ के तसल्ली से फोल्ड कर लूँगी। और गर्मी इस टाइम तक इतनी ज़्यादा लग गई थी कि ये सब कैप वैप तो मैंने हटा दी साइड में और बस अब आराम से तसल्ली से बैठ के मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी और सारे कपड़े अपनी जगह पे लगा दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो इसके बाद मम्मी आ गई थी किचन में और लोहे वाली कढ़ाई में मम्मी ने ये सब्जी बनाई थी और सिर्फ जीरा लहसुन मिर्ची का तड़का लगाया था मम्मी ने, हल्की सी हल्दी डाली थी और नमक ऐड किया था और इतनी टेस्टी ये सब्जी बन के रेडी हुई थी कि मैं क्या ही बताऊं। और गर्मा गर्म आलू के साथ चटनी खाना किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताना। जब भी मेरे घर में आलू बॉयल होते हैं तो धनिया पुदीने वाली चटनी मैं ज़रूर रेडी कर लेती हूँ, उसके साथ हमें आलू खाना बहुत पसंद है। और जितना ज़्यादा आप आलू पालक की सब्जी को भूनेंगे उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। ओके जी, तो ये तो थी पाव भाजी की कुछ क्लिप्स जो कि बनानी तो थी मुझे लंच में बट बनाया मैंने उसे इवनिंग में था और वही हमारा डिनर भी हो गया था, तो ये शाम की हम चाय यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और ये बिस्किट आई एम टेलिंग यू बहुत ही टेस्टी बिस्किट थे, अगर आपके मार्केट में कहीं आसपास मिलते हो तो एक बार ये बिस्किट ज़रूर ट्राई करना। एंड ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो पाव भाजी की रेसिपी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में डेफिनेटली शेयर करूँगी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दैट। एंड येस, यही था मेरा आज का वीडियो, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो डू ऑल द गुड थिंग्स लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। I'll see you in my next video. Till then, do take good care of yourself and bye-bye. And thank you so much for watching.